से हटो कद्दू करेले। ये क्या है हेनरी? रसगू, एकदम बढ़िया वाला, नंबर वन क्वालिटी। मामा, हेनरी ने जमीन पर स्नॉट बैग फेंका है। थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। ये सब देखकर आपको नहीं लगेगा कि मैं पर्पल हैंड गैंग का लॉर्ड हाई मैजेस्टी हूँ। ओ, आप आ गए। अरे नहीं, बहुत जोर की नहीं लगी, मैं ठीक हूँ। मम्मी ने मुझे हर कोने की सफाई करने के लिए कहा है, नहीं तो। मुझे हर एक कोना साफ चाहिए हेनरी, नहीं तो। नहीं तो क्या मम्मी? नहीं तो, नहीं तो, ओह, नहीं तो थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। ये देखो मेरे दोस्तों, ये खिलौना तो बेस्ट है। देखा जाए तो मेरे सारे खिलौने बेस्ट ही है। ये तो होना ही था। ये याद है फैन, हम दोनों इसके साथ कितना खेलते थे। मैं हूँ बंदरों का रखवाला, तुम मुझसे नहीं बच पाओगे। तुम बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हो, पर जीत तो मेरी ही होगी। आप जीत गए अंधेर नगर के बलवान फौजी। उल्लू बनाया। हेनरी। हाँ मम्मी। लगता है तुम्हारी सफाई लगभग हो ही गई। हाँ मम्मी। और इस बार तुम्हें क्रिसमस पर नए टॉयज की जरूरत नहीं। हाँ, नहीं नहीं, मम्मी मेरा मतलब, मैं समझा नहीं मम्मी। तुम्हारे पास इतने टॉयज हैं कि नए टॉयज की जरूरत नहीं पड़ेगी कई सालों तक, है ना? आउच। पर अब हम क्या करें फैंग? कई सालों तक नए टॉयज की जरूरत कैसे नहीं पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी, जरूर पड़ेगी, पर मुझे लगता है कि नहीं, नहीं होगा। या शायद नया टॉय हेवन कैटलॉग आ गया है। पर क्या फायदा, अब टॉय हेवन से टॉयज तो आएंगे ही नहीं। हाँ। काश मैं इन टॉयज को गायब कर सकता। अगर मैंने सारे टॉयज दे दिए, मेरे पास कुछ नहीं होगा, फिर मम्मी पापा को नए खरीदने ही पड़ेंगे। सॉरी मेरे प्यारे दोस्त, तुम्हें यहाँ छुपा देते हैं। वांटेड, आप मेरे सारे टॉयज ले जाइए ताकि मुझे नए टॉयज मिले। साइन हेनरी। इससे काम हो जाएगा। शाबाश फैंग। चलो फैंग, ये बाहर लगा देते हैं, फिर टॉय हेवन कैटलॉग देखते हैं। अब कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। वाओ, ये तो कितना कूल है। तो आपको सब टॉयज चाहिए? उन्हें सब कुछ चाहिए फैंग। ये क्या बात है, मैं बस अभी आया। अब ये सारे टॉयज किस में डालूं? सोचो हेनरी, सोचो। ओ, मिल गया। कम ऑन फैंग, आकर मेरी मदद करो। बाय टॉयज।
चलो फैंग नए टॉयज देखते हैं। एक यहाँ पे और ये यहाँ पे। एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए। अरे वाह सफाई हो गई। हाँ। अच्छा कहीं तुमने अपने सारे टॉयज अपने कबर्ड पे तो नहीं रख दिए? नहीं मैंने सब कुछ दे दिए। सारे दे दिए? हाँ। हेनरी क्या मैं तुम्हारा क्रीपी कासल किट बोरो कर सकता हूँ? पता है हम गॉर्डन के बर्थडे के लिए स्कैरी नाइट प्लान कर रहे हैं। नहीं। पर क्यों नहीं? नहीं तुम नहीं ले सकते पीटर। मामा तुम नहीं ले सकते क्योंकि वो मेरे पास है ही नहीं। क्या? हेनरी कह रहा है कि उसने अपने सारे टॉयज किसी को दे दिए हैं। ये सच है कुछ नहीं रहा। क्या कुछ भी नहीं है? कुछ नहीं यहाँ तक कि क्रीपी कासल किट भी नहीं। हाँ फिक्र मत करो मेरी लाडली हम एक टॉय हेवन में मिल जाएगा। वाओ क्या हम अभी जाकर नया वाला खरीद सकते हैं प्लीज? अच्छा ठीक है जाओ जाकर तैयार हो जाओ। तो हम टॉय हेवन जा रहे हैं। क्या तुम्हें टॉय हेवन से कुछ और भी चाहिए मेरे प्यारे प्यारे? वैसे आप पूछ ही रहे तो हेनरी मुझे ना ये चाहिए और ये और वो दो चाहिए। थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। सिर्फ बता रहा हूँ। तो पता चला कि मम्मी पीटर से बात कर रही थी मुझसे नहीं। तो हम टॉय हेवन गए और मेरे लिए कुछ नहीं खरीदा वहाँ से। हाँ मैं भी अपने खिलौनों को मिस कर रहा हूँ। ये तो मेरा स्टिकी स्पाइडर है ये नहीं हो सकता। चलो देखते हैं आखिर ये सब क्या हो रहा है। ये अभी अभी मेरी खिड़की से अंदर आया। ये तो मेरा है। पता है पर ये ऐसे कैसे आया? शायद मैं जानता हूँ। हेनरी। हाँ मम्मी। बेटा क्या तुम्हें पता है कि हमारी चादर हमारे पड़ोसियों के यहाँ पर क्यों सूख रही है? नहीं तो चले जाओ। नहीं ये सब मेरे टॉयज हैं। तो फिर? और मुझे ये सब वापस चाहिए। सॉरी हेनरी वो तुम्हें नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अब ये सब कुछ मेरा है। मेरे पापा ने इसके लिए बहुत सारे पैसे दिए हैं। एक तोहफा मेरी प्यारी बेटी मार्गरेट मिलिसेंट मोजीना के लिए क्योंकि वो सुपरस्टार है। ये सब सुनने के बाद मैं तो बिल्कुल सातवें आसमान पर पहुंच गई। हाँ, जो भी है ये गलती है। शायद होगी पर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुम मुझे प्रॉमिस करते हो कि हर रोज तुम मेरी मनपसंद गेम खेलोगे वो भी एक महीने तक। और फिर क्या? फिर तुम्हें सब कुछ वापस मिलेगा। सच में? हाँ सच में। ठीक है। सॉरी मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। क्या कहा तुमने? मैंने कहा ठीक है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तो इस गेम का नाम है टूटू टाइम।